हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ कि बेबी का जो इनिशियल फूड है ना, वो मैंने बेबी को क्या क्या दिया है। जैसे कि आपको पता है कि कृषा ऑलमोस्ट अभी 7 मंथ की होने ही वाली है और उसकी जो सॉलिड जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया है कि मैंने वो कंप्लीट जर्नी कैसे शुरू की, क्या क्या बातों का ध्यान रखा है, तो उस वाली वीडियो आप जाके जरूर देखेगा। आई होप आपको उसमें से कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगी। कृषा की सॉलिड जर्नी शुरू करने से पहले मैंने ना नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर लिया था, सब कुछ नोट डाउन कर लिया था कि मैं उसको शुरू के वीक में क्या देने वाली हूँ। सब वेजिटेबल्स के नेम, सब फ्रूट्स के नेम, सब कुछ नोट डाउन कर लिया था। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने जो भी ऑप्शन नोट किए थे वो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थे और मुझे वो सब देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसीलिए ये जो नोट्स हैं, ये जो आप मेन्यू समझ लीजिए बेबी का, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ना जरूर बनाइएगा। तो जैसे मैंने बेबी का जब सॉलिड स्टार्ट किया, मैंने अपनी बेबी का जो सॉलिड है वो आफ्टर 6 मंथ शुरू किया है, उससे पहले नहीं किया। तो मैंने शुरू में उसको 1 वीक सारे ऑप्शन फ्रूट्स के ही लिखे थे कि मैं फ्रूट्स दूंगी और एक फ्रूट को मैं 2 या 3 दिन ट्राई करूंगी, क्योंकि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस हिसाब से मैंने जो सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके नाम नोट डाउन किए थे और बिग बास्केट से ना ऑर्डर डाल दिया था कि ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे बेबी का जो फर्स्ट फूड था वो था एप्पल, और मैंने अपनी बेबी के लिए जो फर्स्ट फूड चूज किए थे वो सभी के सभी फ्रूट्स थे, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं ना वो नेचुरली स्वीट्स होते हैं और सॉल्ट एंड स्वीट मैं अपनी बेबी को नहीं दूंगी टिल 1 ईयर तक। मैंने अनवित को भी नहीं दिया था, अभी वो 7 ईयर्स का है, तो 7 ईयर्स एगो ऐसा था। और मैंने ऐसे फ्रूट्स चूज किए जो हम कुक कर सकें, क्योंकि बेबीज को ना हमेशा कुक जो फ्रूट्स हैं वो हमें शुरू में देने चाहिए, क्योंकि जो कच्ची चीज़ें होती हैं उसमें बैक्टीरिया होता है और वो कहीं ना कहीं बेबी के स्टमक को हर्ट कर सकता है और बेबी को डायरिया वगैरह ये सब हो सकता है। तो एप्पल जो होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। यहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं, अनपर्सन था तो एक बड़ा एप्पल ही ले रही हूँ, हालांकि बेबी 1 to 2 स्पून ही खाएगी, और क्योंकि बहुत सारी थोड़ी चीज़ें बनाना मुश्किल हो जाता है ना इसीलिए। और मैं जो बेबी का फूड है ना वो स्टीम करके बनाती हूँ, कुकर में वही चीज़ें कुक करती हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहती है ना स्टीम होने में। बाकी फ्रूट्स ऐसी चीज़ होती हैं जो इजीली स्टीम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एप्पल मैंने लिया है, उसको पील ऑफ कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास ये स्टीमर है, ये मैंने आईकिया से लिया था, और इसको मैं मुश्किल से 5 to 10 मिनट से स्टीम करूंगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। तो बस इसको अच्छे से ढक के 10 मिनट्स तक हमें स्टीम करना है, और ठंडा होने के बाद ना हम इसका जो है ना वो प्योरे बना लेंगे। और ना मैं अपनी बेबी को कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं देती हूँ, हल्का सा ल्यूकवॉर्म हो वो देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रहता ना कि अगर हल्का सा वॉर्म हो तो गले को मतलब ठीक रहता, नहीं तो ये गला दुखने का डर रहता है। और सेकंड यहाँ पे मैंने दिया था बेबी को बनाना, तो बनाना भी मैं यहाँ पे कुक करके दे रही हूँ, आप बनाना भी आराम से स्टीम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस लिया मैंने, छोटा सा इलायची जो बनाना रहता ना वो लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट रहते हैं और बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो मैंने वो छोटा सा बनाना लिया और उसको स्टीम किया और उसको फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया था। आप चाहें तो इसको मतलब मिक्सी में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको और पतला करना चाहें तो इसमें आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से उसको गर्म पानी में मिला के ना। और मैंने तो उसको ये ऐसे ही दिया था क्योंकि मैं रो टेस्टी उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, अभी कुछ भी मैंने ऐसे सच मिक्स करना शुरू नहीं किया है ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। शुरू में आपका बच्चा जरूरी नहीं है कि हर फूड एक्सेप्ट करेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा बस उसको टेस्ट के लिए ही देना है ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। फर्स्ट टाइम में कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ लाइक नहीं करता, लेकिन जब आप उसको सेकेंड या थर्ड टाइम वही सेम चीज़ देंगे तो
तो बच्चे का कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेस्ट डेवलप होता है और बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम में आप ये नहीं है कि बच्चा को आपने कुछ दिया तो बच्चा नहीं खा रहा, तो आप अगर ट्राई करते रहेंगे ना तो आपका बच्चा ना वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पहली बार में हमें भी बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब एकदम से अलग होती है। देखिए मैंने इसको बनाना दिया और वो थोड़ा सा उबकाई टाइप ले रही है, आपने देखा ही होगा। मैंने उसको टेस्ट करके देखा, हमेशा मैं अपना जो बेबी का फूड है ना वो टेस्ट करके देखती हूँ, और यहाँ पर मैंने दोबारा टेस्ट किया कि कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होगी। लेकिन बेबीज हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट है ना वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने उसको बनाना दिया था उसने बहुत अच्छे से खाया। वेजिटेबल में मैंने उसको दी थी लौकी, क्योंकि गर्मियों की जो लौकी होती है ना वो ऑटोमेटिकली मीठी होती है, और उसको भी बस मैंने ऐसे कुकर में सीटी लगाया था क्योंकि ये स्टीम लगा के नहीं बनेगी, और उसका ऐसे प्योरे तैयार कर लिया था। और इसमें ना बहुत जरा सा मैंने हींग और अजवाइन ऐड की थी, तो इससे बेबी को मतलब वो है ना कि डाइजेशन में ईजी रहेगा, तो ये मैंने दी थी। और ये बेबी ने उतने शौक से मेरी खाई नहीं थी, हालांकि मैंने टेस्ट किया था तो उसका जो टेस्ट था ना वो काफ़ी स्वीट आ रहा था, लेकिन एक होती है ना शौक वाली बात, वो उतने अच्छे से खाई नहीं थी। तो आप ये बेबी को दे सकते हैं, अगर आप मिक्स करना चाहें ना, तो जब आप सिंगल सिंगल फूड ट्राई कर लें तो फिर आप इसको राइस के साथ या ओट के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं। वो सब मैं रेसिपी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। आप इससे पहले ना मेरा वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि मैं अभी सिंगल सिंगल बच्चे को टेस्ट कराने के फेज में हूँ, तो मैंने अभी कोई भी फूड मिक्स करना शुरू नहीं किया है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाए हैं अपनी बेबी के लिए, तो वो मेरी बेबी को टचवुड सभी सूट किए हैं, उनसे मेरी बेबी को कोई भी एलर्जी नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बेबी को ट्राई कराया था, ये बेबी कैरेट है बिग बास्केट पे। इसकी टू क्वालिटी है, एक तो वो थोड़ा चीप आती है, एक अच्छे वाली आती है, वो ज़्यादा स्वीट रहती है अच्छे वाली, आप वो वाली लेना। और कैरेट तो आपको पता ही है, इसके फायदे बताने का आपको जरूरत नहीं है, ये भी इजिली डाइजेस्ट हो जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको मैंने पील ऑफ कर लिया था और इसको कुकर में ऐड करके, क्योंकि कुकर में ही विसिल लगेगी स्टीम नहीं होगी, पानी डाल के इसमें विसिल लगा लिया था। और इसमें मैंने कुछ भी अदर स्पाइसेज ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वो मैंने अभी शुरू नहीं किए हैं। जब मैं उसका अभी 2 दिन बाद वो 7 मंथ की हो जाएगी, फिर मैं उसका ये सब ऐड करना शुरू करूंगी, वो वाली रेसिपीज मैं आपके साथ शुरू करूंगी, क्योंकि मैं उसको ना ऐसे एकदम ब्लेंड जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना वही कराना चाह रही थी। और गुड़िया को ना ये पसंद भी आई है, क्योंकि कैरेट भी नेचुरली स्वीट होती है और इजिली डाइजेस्टेबल भी होती है। तो शुरू में बच्चों को आप 1 या 2 स्पून ही दीजिएगा, बच्चे उससे ज्यादा खाते भी नहीं है। और उसके बाद जब आप धीरे धीरे वापस ट्राई कराएंगे, जैसे 2रे या 3रे दिन वापस देंगे, तो फिर बच्चा ना एक्सेप्ट करता है, तो 3 या 4 स्पून भी ले लेगा, तो ऐसे रहता है। और ये ना इसका कलर ही देखिए आप, ये काफ़ी स्वीट थी, क्योंकि जब भी मैं कोई फूड बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने आप टेस्ट करती हूँ और फिर मैं बेबी को देती हूँ। और यहाँ पे जो फ्रूट है ये है खरबूजा, और बहुत ही ज़्यादा स्वीट था ये, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसकी मैंने 2 स्लाइस ली हैं और इसको मिक्सी में डाल के इसका जूस बना लिया था। इसको हम कुक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसे ही वाला फ्रूट है और ये बहुत ज़्यादा स्वीट था, और गुड़िया को ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। समर में आप ऐसे फ्रूट आप दे सकते हैं, लेकिन शुरू में पहले आप 1 से 1.5 हफ्ता कुक्ड फ्रूट ही ट्राई करना, उसके बाद आप इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं ना वो आप दे सकते हैं, जैसे मस्क मेलन। वाटरमेलन मैंने अभी तक नहीं दिया है गुड़िया को, क्योंकि डर लगता है थोड़ा, ये वाटरमेलन थोड़ा सा रिस्की फ्रूट होता है ना इसीलिए। तो उसका ऐसे थिक सा आप प्योरे टाइप बना लेना और ये अपने बेबी को आप सर्व करना, और अगर बहुत ज़्यादा स्वीट है तो बेबी आपके बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। और नेक्स्ट फ्रूट मैंने ट्राई कराया था बेबी को, फलों का राजा मैंगो, और ये देते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मैंगो गर्म होता है ना, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ही दिया था शुरू में, स्वीट बहुत ज़्यादा था। और मैंगो को ना मैंने पहले पानी में भिगा के रख लिया था ताकि उसके अंदर अगर कोई भी गर्मी है तो वो निकल जाए, और तभी मैंने बेबी को सर्व किया था। टचवुड ये बेबी के लिए ठीक रहा। तो आप जब भी बेबी को मैंगो देना ना, तो आप उसको ना 1 से 2 घंटे पानी में भिगा के रखना, जब उसकी गर्मी निकल जाए ना तभी वो ऐसे मिक्सर जार में डाल के और उसका प्योरे बना के आप बेबी को सर्व कर देना, अगर आपके बेबी को ये पसंद आए। उसके बाद आप इसको फॉर्मूला या फिर ब्रेस्ट मिल्क में भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट
मिक्स्ड वेजिटेबल मैंने यहाँ पे दिया था बेबी को स्वीट पोटैटो, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली स्वीट होता है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो इसमें ना पानी थोड़ा अच्छे से डाल के इसको सीटी लगाइएगा। और मैंने आपको बताया ना, बाद में आप इसमें फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा खीर टाइप हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट रहता है तो बच्चों को पसंद भी आता है, तो इसके मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, ये बहुत ही कम लिया था। और इसमें पानी अच्छे से ऐड किया था, इसका एक स्मूथ प्योरे तैयार किया था। इसमें आपको पानी अच्छे से लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो बच्चे के गले में ना थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा या मतलब अटकने का थोड़ा सा डर रहता है, तो उसको आप अच्छे से कुक करना और अच्छे से इसमें विसिल लगाना, और फिर आपको इसको अच्छे से प्योरे करके अपने बेबी को सर्व करना है। तो फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बोला ना, कोई भी बेबी लाइक नहीं करेगा, तो आप घबराना मत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना। तो आप देखिए कुकर ये विसिल लगाने के बाद ना इसका जो टेक्स्चर है वो ऐसा हो गया है, और बस मैं इसको अभी अच्छे से प्योरे करूंगी, प्योरे फॉर्म कुछ ऐसा है, और अपने बेबी को फिर मैं सर्व करूंगी। नेक्स्ट फ्रूट मैंने अपने बेबी को दिया चीकू, इसको सपोता भी बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये क्रिशा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था फर्स्ट टाइम में ही, और ये ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने इसको ऐसे पूरा ऊपर से कट कर लिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसके अंदर के जो भी सीड्स थे सबको अच्छे से निकाल लिया था, और इसका जो प्योरे है ना वो तैयार किया था। और इसमें बहुत हल्का सा ही मैंने पानी डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ज़्यादा पानी डालने से स्वीटनेस भी चले जाती है। और फिर मैंने ये बेबी को सर्व किया था, तो मेरी जो बेबी है ना उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो यही कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अपनी बेबी को ट्राई कराए हैं, और अभी भी मैं नए नए जो चीज़ें हैं ना वो उसको ट्राई करा रही हूँ, और इस मंथ से मैं उसको उन चीज़ों को मिक्स करना भी शुरू करूंगी, और फिर आपके साथ मैं अलग रेसिपीज शेयर करूंगी। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होंगी, और ये सब प्योरी सेफ हैं, हेल्दी हैं, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे लाइक भी करते हैं। मैंने अपने बेबी को ऐसे ही दिया था, और निबलर में भी मैंने उसको जो फ्रूट्स हैं वो ट्राई कराने शुरू करे हैं, ऑरेंज दिया था, ग्रेप्स दिए हैं, तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आए हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, या फिर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।